गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है पुलाव, तो आइए स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाना। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाना। पुलाव बनाने के लिए ये हमने 4-5 कड़ी के पत्ते लिए हैं, 2 प्याज लंबे कटे हुए, थोड़े से मटर, 2 टमाटर, गाजर, 2 फलियां, गोभी, आलू, जीरा लिया है, नमक स्वाद अनुसार लिया है, ये हमने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला, और ये हमने 2 बड़ी इलायची और 3-4 लौंग ली हैं। तो आइए बनाते हैं। ये हम ऑयल डालेंगे, ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। लौंग इलायची डालेंगे इसमें, टमाटर डालेंगे इसमें, लाल मिर्ची और गरम मसाला डालेंगे इसमें, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, इसमें हम फलियां डाल देंगे, गाजर, गोभी और आलू। अब इसमें हम मटर डाल देंगे, इसमें चावल डालेंगे, ये चावल हमने भिगो लिए हैं, हम इसमें पानी डालेंगे, एक गिलास चावल है तो हम 2 गिलास पानी डालेंगे इसमें। हम इसको ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हम चेक करते हैं हमारी पुलाव बनकर तैयार हुई है या नहीं। ये हमारी पुलाव बनकर तैयार हो चुकी है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। आइए हम इसको सर्व करते हैं। ये हमारी पुलाव बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी अपने ट्राई कीजिए और इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।